हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ बिल्कुल ही नए तरीके का डोरमेट। और इसे बनाने के लिए मैंने 4 कलर की वूल ली है और आप इसको पुरानी साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हैं। और देखिए, हमने इसमें कली के अंदर कली डाली हुई है, तो यहाँ पे हमने ये इस तरह से डाली है, ग्रीन में ऑरेंज से और ऑरेंज में ग्रीन से। और ये 8 कली में पूरा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ इतना ये सिला है। तो इस तरह से मैंने इसको बना के कंप्लीट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये 28 फंदे का मैंने बना के कंप्लीट किया है। 7 फंदे इसमें बढ़ गए हैं, तो ये टोटल 35 फंदे का बना हुआ है। और 35 फंदे में ये काफी बड़ा साइज बन गया है। आप अगर साड़ी और चुन्नी से बनाएंगे तो ये फुल साइज का आपका बनके कंप्लीट होगा। और हमने यहाँ पे 9 नंबर सलाई ली है। और देखिए, यहाँ पे हमने आउटलाइन जो दी है वो वाइट की दी है, इसमें हम ब्लैक की दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहले 28 फंदे डालेंगे। फंदे आप किसी भी तरीके से ले सकती हैं। ये देखिए, इस तरह से आप जैसे चाहे फंदे ले लें। फंदे सिर्फ आपके थोड़े से लूज होने चाहिए, लूज हाथ से, टाइट नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये जहाँ पे आप ज्वाइंट करेंगे ना वहाँ पे खिंचा खिंचा हो जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 28 फंदे। ये देखिए, यहाँ पे हमने 28 फंदे ले लिए हैं, 28 फंदे। तो अब देखिए, फर्स्ट रो में ही हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो हमने आउटलाइन दी है वो हम इस साइड भी देंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट रो में ऐसे घुमाएंगे, एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे, सिर्फ एक फंदा इधर बढ़ाना है और 2 फंदे इस साइड में छोड़ने हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक फंदा ये हमने बढ़ा लिया, तो एक हमने बढ़ाया, एक बुन लिया। अब यहाँ से हम जो भी कलर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं या फिर यहाँ पे जो भी, उससे आपको ये बनाना है। तो इसमें हम फिरोजी कलर ऐड करेंगे। ये देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ से 1 2 3 ये वाली भूल हम ऐसे कर लेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये 25 फंदे बुन लिए और 2 बिना बुने, 2 छोड़ दिए। और यहीं से हम पलट लेंगे। अब इधर की रो हमें उल्टा बनानी है पूरा ऐसे, तो हम इसको ब्लैक तक बना लेते हैं। ऐसे ही उल्टा बुनते हुए हम यहाँ तक आ जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये यहाँ तक बना लिए ब्लैक तक। अब इसको हम क्रॉस कराएंगे, तो ऐसे हम इसको आगे करेंगे। 2 फंदे हम ये ब्लैक से बुनेंगे जो यहाँ पे हम आउटलाइन दे रहे हैं। अब देखिए, हम यहाँ से उल्टे तरफ से फिर से ऐसे घुमा लेंगे, एक फंदा बढ़ा लेंगे और इस एक फंदे को हम फिरोजी कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे ब्लैक को फिरोजी कर दिया। उसके बाद देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 फंदे बुने, 2 बिना बुने यहाँ पे हमने छोड़ दिए। और हमने भूल को इधर किया, सलाई को पलट लिया। इधर से हम पूरी रो ऐसे ही उल्टा बुनते हुए जाएंगे लास्ट के ब्लैक फंदों तक। ऐसे ये देखिए, फिरोजी तक हमने बुन लिया। फिरोजी को पीछे करेंगे, ब्लैक को आगे लाएंगे ऐसे, इस तरह से। देखिए, ये देखिए, अब हम वापस पलट लेंगे। ये देखिए, एक एक फंदा हम बढ़ाएंगे यहाँ पे और 2 फंदे उधर छोड़ेंगे। इसको हम ऐसे घुमाएंगे, तो एक फंदा ये बढ़ गया। देखिए, अब इसको हम ऐसे कर देंगे और इसको यहाँ से फिरोजी बना देंगे ब्लैक वाला। अब यहाँ से देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 23 फंदे बुने और 2 बिना बुने यहाँ पे छोड़ दिए। फिर से यहीं से हम पलट लेंगे, इस साइड में सिर्फ 2 फंदे छोड़ते जाना है। तो अब हम ये बना लेते हैं रो। ये देखिए, इसको हम फिर से क्रॉस करा देंगे। फ्रोजी बना लिए हमने, ब्लैक को आगे लाए और हम ये 2 फंदे ब्लैक से बना लेंगे ऐसे। ये देखिए, अब हम फिर से पलट लेंगे। आप देखिए हम यहाँ पे ऐसे घुमाएंगे और एक फंदा वापस हम बढ़ा लेंगे, इसको हम इधर कर देंगे। यहाँ से इसको ऐसे बनाएंगे। तो एक फंदा ब्लैक वाला हमने फ्रोजी कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 बना लिए। 2 हमने यहाँ पे छोड़ दिए फिर से और हम यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 8 फंदे छूट गए 2 करके। और हम ये रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए लास्ट तक बना लेते हैं। ये देखिए हमने ये रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए हम इसी तरीके से अभी 3 रो और बनाएंगे। 3 फंदे यहाँ पे और बढ़ाएंगे। 4 फंदे हमने बढ़ा लिए, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 8 फंदे हमारे छूट गए हैं। तो ऐसे ही हम अभी यहाँ पे 3 फंदे और बढ़ा लेंगे, 6 फंदे इधर और छोड़ देंगे। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 14 फंदे छूट जाएंगे और 7 फंदे बढ़ जाएंगे। ये हम 28 फंदे का बना रहे हैं। तो यहाँ पे आधे फंदे छूटेंगे और यहाँ पे 7 फंदे बढ़ेंगे। इसी तरीके से आप जितना मर्जी बड़ा बनाएंगे, आपके ऐसे ही फंदे आधे आपको छोड़ने हैं और यहाँ पे ये उसके हिसाब से बढ़ जाएंगे। तो हम 3 रो अभी और कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक एक करके हमने ये 7 फंदे बढ़ा लिए हैं और 2 करके यहाँ पे इस साइड में 14 फंदे हमने छोड़ दिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 दूनी 14 और देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ही रो बनेंगी आपकी। तो आप अपने हिसाब से फंदे ले लीजिए। अब देखिए हम ये वाली आउटलाइन देंगे जिसपे ये कलरफुल वाली पत्ती पड़ी हुई है। तो उसके लिए देखिए अब हम यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे इस रो में। तो यहाँ से देखिए हम सारे फंदे लास्ट तक ब्लैक से ही बना लेंगे। पूरी रो ऐसे ही जाएगी, इधर से भी और उधर से भी ऐसे। देखिए सारे फंदे हम बनाएंगे ब्लैक कलर से ही। देखिए जो फंदे हमने छोड़े हैं वो भी हम ऐसे ही बना लेंगे। देखिए इसी कलर से अब इस रो में टोटल मेरे पास 35 फंदे हो गए। 28 मेरे पास थे और 7 फंदे इसमें बढ़ गए। ये देखिए लास्ट तक हमने इसको बना लिया। अब यहाँ से देखिए आपको इस फंदे को उतारना है इस रो में। इसको ऐसे करना है, यहाँ से उल्टा बनाना है, नहीं तो ये होल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आपका अगर आप उतारेंगे नहीं। तो हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट तक। ये देखिए इधर की रो कंप्लीट कर ली मैंने। अब देखिए यहाँ से हम 2 फंदे सिर्फ बॉर्डर के ब्लैक से बुनेंगे और इसके बाद देखिए ये वाली हम पत्ती डालेंगे। तो यहाँ पे हम येलो कलर की पत्ती डाल रहे हैं। ये देखिए यहाँ से हम 19 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये देखिए, और इधर हमने अभी 14 फंदे ऐसे ही छोड़ देना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14। जहाँ तक हमने फंदे ये दो दो करके छोड़े थे वहीं तक हमने ये फिर से छोड़ दिए। ब्लैक में ही 19 फंदे बना लिए और यहीं से हम पलट लेंगे। इधर के फंदे हम येलो तक येलो से ही बुन लेंगे, तो इनको हम बुन लेते हैं। ये देखिए येलो तक हमने बुन लिए, अब हम इसको इधर कर देंगे और यहीं से पलट लेंगे। और देखिए इधर से अब हम देखिए 2 फंदे इस साइड उतारेंगे, 2 फंदे इधर छोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने ये 2 फंदे उतार लिए और देखिए इस वाले धागे को हमने इधर कर दिया ताकि यहाँ पे होल ना रहे। ये 2 उतार लिए, उसके बाद देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 2 फिर इधर छोड़ दिए और यहीं से पलट लेंगे। यहाँ से हम पूरी रो उल्टा बना लेंगे इसी कलर से, ऐसे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब हम फिर से पलट लेंगे। अब हम 2 फंदे हमने इधर उतार लिए और 2 फंदे हम इधर छोड़ देंगे। तो यहाँ से देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 हमने छोड़ दिए। अब यहीं से हम फिर से पलट लेंगे और यहाँ से उल्टा बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक हमने बना लिया, अब हम यहीं से पीछे कर लेंगे धागे को। अब देखिए यहाँ पे हम वापस 2 फंदे उतार लेंगे, उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 हमने यहाँ पर भी छोड़ दिए। वापस हम आ जाएंगे इधर सीधे साइड। तो यहाँ से देखिए 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ से हम फिर से 2 फंदे उतारेंगे और 1 2 3, बीच में हमारे पास 3 फंदे रह गए। देखिए 2 2 करके हमने इधर छोड़ दिए और 2 2 करके हमने इधर उतार लिए। तो 1 2 3 4, 8 फंदे इधर हो गए और देखिए 8 ही इधर हो गए, 3 बीच में रह गए। तो अब देखिए हम ये 3 फंदे बुनेंगे और देखिए 2 2 फंदे हमने जैसे छोड़े हैं वैसे ही हम इनको लेंगे। तो हम इस साइड से देखिए, इस साइड से हम पहले स्टार्ट करेंगे, आपको इस साइड से नहीं करना है। तो यहाँ से ऐसे 2 फंदे हमने ले लिए और यहीं से हम पलट लेंगे। अब मेरे पास देखिए ये 3 4 5 फंदे हो गए। तो हमें 2 फंदे लेने हैं, उससे पहले हमें गैपिंग भरनी है। तो यहाँ से फंदा उठाएंगे, इसके साथ 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए 2 2 फंदे लेते हुए अब हम बनाएंगे इसको। ये छोटी वाली पत्ती ऐसे ही कंप्लीट होगी इसमें। ये देखिए यहाँ से फंदा ऐसे उठाएंगे और इस फंदे के साथ ऐसे बुन देंगे, 2 का 1 कर देंगे। फंदे बढ़ने नहीं चाहिए आपके एक भी। जो फंदा आप उठा रहे हैं वो तुरंत का तुरंत घटा देंगे। यहाँ से अब हम ये देखिए यहाँ से 1 फंदा हमने उठाया और इसके साथ 2 का 1 कर दिया। 2 फंदे हमने ले लिए और यहीं से हम पलट लेंगे। अब देखिए इसी तरीके से हम ये फंदे ले लेते हैं। यहाँ से जाएंगे तो ये 2 फंदे ले लेंगे, वापस आएंगे फिर इधर के ले लेंगे। तो हम ले लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ तक ले लिए। इधर हमारे पास 2 फंदे अभी रह गए हैं। क्योंकि हमने इस साइड से स्टार्ट किए थे इसीलिए ये दो रहने चाहिए आपके। तो हमने इसको इधर किया और इसको हम आगे लाएंगे। अब ये सारे फंदे हमने इस साइड के ले लिए पत्ती तक, जहाँ तक 19 फंदे जो लिए थे इसको बना लिया। अब देखिए हम यहाँ से ये ब्लैक से ही बनाएंगे, येलो वाले जो फंदे हैं इनको हम ब्लैक से बना लेंगे। ये देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब यहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे और ये दो फंदे इस रो में हम ले लेंगे। ये देखिए तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 21 फंदे हो गए। अब हम यहाँ से उल्टा बुन लेंगे क्योंकि 19 फंदे पत्ती के हैं और 2 फंदे बॉर्डर के हैं। तो यहाँ से हम इनको बना के पूरी रो करते हैं। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली। अब देखिए बच्चे हमारे पास ये 14 फंदे। तो जैसे हमने ये वाली डिजाइन में यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाया था वैसे ही अब हम एक एक फंदा घटाएंगे यहाँ पे और 2 फंदे इधर से हम ऐड करते जाएंगे। तो देखिए आप यहाँ से हम पहले तो 2 का एक करेंगे। अब फंदे घटाना शुरू कर दिए हमने, एक फंदा और बुनेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे फिरोजी कलर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 2 हम इसमें से ले लेंगे छूटे वाले। ये देखिए 2-2 करके छोड़े थे हमने। तो यहाँ पे ये देखिए एक फंदा घट गया उधर और 2 हमने इधर से ऐड कर लिए। ये देखिए अब हम ये रो कंप्लीट करते हैं। इधर की रो हमने कंप्लीट कर ली। अब देखिए उल्टे तरफ से हम वापस यहाँ पे ब्लैक से 2 का एक कर रहे हैं और एक फंदा फिरोजी वाला ब्लैक बना रहे हैं। तो 2 फंदे जो बॉर्डर के हैं वही रहेंगे। अब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 2 हम यहाँ से ले लेंगे। ये देखिए यहीं से हम फिर से पलट लेंगे। तो अब देखिए हम यहाँ पे इस रो को कंप्लीट करते हैं ऐसे ही। ये देखिए इस साइड की रो हमने कंप्लीट कर ली और 2 रो में 2 फंदे घट गए। तो यहाँ पे ये देखिए अभी 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे अभी हमें 4 फंदे और घटाने हैं। तो देखिए तीसरा फंदा ये यहाँ पे घट गया। उसके बाद हम एक फंदा ये कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से वापस हम फिरोजी कलर लगाएंगे। तो इस रो में मेरे पास 3 फंदे घट गए। एक एक फंदा घटाना है, टोटल 7 फंदे घटेंगे यहाँ से। ये देखिए यहाँ से हम 2 फंदे आगे से ऐड कर लेंगे, 1 और 2 और यहीं से पलट लेंगे। अब देखिए इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे ये वाली। फिर यहाँ से एक फंदा घटाते हुए इधर से 2 फंदे लेते हुए तो हम यहाँ पे ये 2 फंदे रह जाएंगे। जब हम आपको दिखाएंगे 1, 2, 3 अब ये मैं 3 बार फंदे 2-2 लेने हैं और यहाँ पे घटाने हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इतना, फिर हम दिखाते हैं। यहाँ पे टोटल 7 फंदे घट जाएंगे और यहाँ पे 14 फंदे ऐड हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे ये बना लिया। यहाँ तक फंदे हमने ले लिए हैं, 2 फंदे हमारे पास ब्लैक के रह गए हैं। तो यहाँ पे हम एक फंदा अभी और घटाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ 28 फंदे चाहिए। जो 7 फंदे हमने बढ़ाए थे वो इस रो में हमारे कम हो गए। देखिए इस तरह से और यहाँ पे एक कली बन के कम्प्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हम पूरी रो लास्ट तक बना लेंगे। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। टोटल हमारे पास इस रो में उतने ही फंदे बचने चाहिए जितने फंदे से आपने स्टार्ट किया। तो यहाँ से इस फंदे को हम उतार लेंगे, इधर से हम पूरी रो उल्टा बना लेंगे लास्ट तक। तो हम ये रो कंप्लीट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारी एक कली बन के कम्प्लीट होती है। अब मेरे पास टोटल 28 फंदे हैं। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से हम फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन कली का कलर चेंज करना है। जैसे हमने ये दो कलर से कलियाँ बनाई हैं, तो हमने ऑरेंज में ग्रीन से डाला है, ग्रीन से बनाया तो ऑरेंज से डाला है, तो इस तरह से हमने इसे बनाया है। तो अब हम यहाँ पे ये देखिए एक फंदा बढ़ाएंगे पहले, तो देखिए ये दो हो गए। अब यहाँ से हम ये येलो कलर ऐड करेंगे और छोटी वाली पत्ती इसमें फिरोजी वाले की डलेगी। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम फर्स्ट रो रिपीट कर रहे हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये देखिए दो हमने दो फंदे यहाँ पे छोड़ दिए, यहीं से अब हम पलट लेंगे। अब देखिए इस रो को हम कंप्लीट करेंगे और देखिए इसी तरीके से हम यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाते हुए दो दो फंदे इधर छोड़ते हुए हम 14 फंदे छोड़ देंगे। 7 फंदे हम बढ़ा लेंगे, उसके बाद हम ये वाली पत्ती डालेंगे। तो पत्ती का कलर हम ये वाला छोटी वाली पत्ती का जो है ये हम फिरोजी कलर भरेंगे। तो इस तरह से हमने इसको बना के कंप्लीट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। यहाँ पे देखिए इसको बना के मैंने कंप्लीट कर लिया और 8 कली में ये बन के कंप्लीट हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमने ये आउटलाइन डाली है और यहाँ पे हम नहीं डालेंगे क्योंकि एक ही एक हमें सब में डाली है। तो हम इसको यहाँ से अब सारे फंदे बंद कर देंगे। तो देखिए अब हम ऑरेंज कलर से ही फंदे बंद कर देंगे, 2 का एक करते हुए। यहाँ पे देखिए हमने ये 2 का एक किया बाइट से, उसके बाद हम इसको इधर कर लेंगे, यहाँ से हम ऑरेंज कलर लगा लेंगे। ऐसे पूरा हम इसको ऑरेंज से ही बंद करेंगे ऐसे। इस तरह से हम सारे फंदे बंद कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से सारे फंदे हमने बंद कर दिए। अब हम इसको ऐसे कर लेंगे उल्टे तरफ से। हम इसकी देखिए यहाँ से हम सिलाई करेंगे जहाँ से ये वाइट कलर लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ से ऐसे, और इसको हमें मिलाते हुए ही सिलना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए ऐसे इस तरह से हमने देखिए लास्ट तक इसको सिल लिया। और ये देखिए जो होल है, आप चाहें तो यहाँ पे फ्लावर लगा सकते हैं या फिर इसमें से वाइट कलर की बूल डाल के और खींच दीजिए पूरे में। हमने कई में बताया है ये होल भरना, तो आप उस तरीके से भी भर सकते हैं। ऐसे इसको अब हम कट कर देंगे बूल को नॉट लगा के।